नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्नो हेल्थ। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक सिरिंज के बारे में। तो हमारे पास ये है सिरिंज जो कि 3 ml की है, तो इसमें अलग अलग साइज आएंगे। मोस्टली हम लोग यूज करते हैं 2 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml और 50 ml, तो कुछ इस तरह से सिरिंज होती है। ये जो हमारे पास सिरिंज है ये एक स्पेशल सिरिंज है जो कि प्रिवेंट करती है नीडल स्टिक इंजरी से। तो इसमें ये जो खास बात है वो ये है कि इसकी जब निडल होती है ना वो गायब हो जाती है, तो इसका नाम भी वैनिश पॉइंट सिरिंज है। तो कंपनी ने काफ़ी अच्छी सिरिंज निकाली है, तो इसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले तो हम सिरिंज के बारे में जान लेते हैं कि सिरिंज कैसी होती है तो और इसके क्या क्या पार्ट होते हैं। तो ये जो सुई वाला पार्ट इसका होता है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो उसको बोलते हैं निडिल। ठीक है, ये तो हो गई हमारी निडिल, और निडिल जहां पर लगी हुई है उस वाले पार्ट को बोलते हैं हब, ये वाला जिससे निडिल अटैच है। ठीक है, और बाकी का ये जो पार्ट है उसको बोलते हैं हम बैरल। ठीक है, ये है बैरल, और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं प्लंजर। ठीक, तो जब भी हम निडिल को कैप करते हैं, जब भी नॉर्मली सिरिंज हम यूज कर रहे होते हैं तो निडिल को कैप करते टाइम इधर उधर चले जाता है और लग जाती है। तो हमेशा निडिल को कैसे कैप करना है, जो भी फ्लैट सरफेस है उस पर रहेगा और आपको यहाँ से नहीं पकड़ना है, हमेशा इधर से पकड़ना है, और ये हाथ में नहीं रखना है, हाथ की जगह फ्लैट सरफेस में होनी चाहिए। कोई भी ट्रे या फिर टेबल पे ये रखा होगा तो आपको इसको कुछ इस तरह से ऐसे करके तब जाके इसको कैप करना है। ठीक है, हम बच्चे क्या करते हैं, इसको आते हैं और इसको ऐसे लगा देते हैं और जल्दीबाजी में क्या होता है, कभी इनके यहाँ पर चुप गई, कभी इधर चुप गई, तो निडिल स्टिक होने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन ये जो निडिल है इसमें क्या सही चीज है, मान लीजिए कि हमने इसको यूज कर लिया, मैंने किसी का ब्लड निकाल लिया, अब क्या करना है, ब्लड मैंने किसी भी वायल में डाल दिया। ठीक है, इस तरह से वायल में डाल दिया, तो जैसे मैं इसको नीचे पुश करूंगा कुछ इस तरह से, तो आप देखना कि ये इसकी जो निडिल है वो गायब हो गई। देख रहे हो आप, यहाँ पर अब कोई भी निडिल नहीं है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी सिरिंज है जिससे कि निडिल स्टिक इंजरी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो जो इसके आगे की जो थी निडिल वो इसके अंदर चली गई है। ठीक है, अब ये यहाँ से खुलेगा भी नहीं, तो किसी को निडिल लगने के चांस भी नहीं है। अब इसको आप शार्प कंटेनर में डाल के डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो ये थी निडिल, इसके पार्ट्स मैंने आपको बताए, जो सुई वाला एरिया होता है उसको बोलते हैं निडिल, जहाँ पर वो सुई जुड़ी भी होती है उसको बोलते हैं हम हब, और ये वो जो एरिया है इसको बोलते हैं बैरल, और वो जो प्लंजर होता है जिससे हम पुश करते हैं। ठीक है, तो वो ये आपको मैंने बता दिया है। तो इतना ही कुछ था इस वीडियो में, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो इसको लेकर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवालों का जवाब दे सकूं। तो इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेकर आता रहूंगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।